हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। यू आर वाचिंग थॉरेक्स की एनाटॉमी और हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं इस वक्त वो है BD84 और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 20 व्हिच इज डिस्कसिंग ट्रैकिया, इसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट, थ्री इंपॉर्टेंट ट्यूब्स ऑफ योर बॉडी। ट्रैकिया में से एयर गुजरती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप ऑफ योर बॉडी। इसोफेगस से फूड पार्टिकल्स गुजरते हैं खाना, सो दिस इज द फूड पाइप ऑफ योर बॉडी। एंड थोरेसिक डक्ट इज बेसिकली टेकिंग अ लॉट ऑफ लिम्फ, सो इट्स अ लिम्फैटिक डक्ट। ठीक है, तो ये तीनों ट्यूब्स आज डिस्कस करनी है। ये जो तीनों ट्यूब्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द थोरेक्स बट दे आर नॉट एंटायरली प्रेजेंट इन द थोरेक्स, विच मीन्स जैसे ट्रैकिया है, ट्रैकिया सर्वाइकल रीजन से कंटिन्यू होती है और नीचे आती है थोरेक्स तक। इसी तरह इसोफेगस है, इसोफेगस स्टार्ट होती है फेरिंग से, फिर चलती है थोरेक्स को क्रॉस करते हुए, डायफ्राम को क्रॉस करती है और स्टमक में आके एंड अप होती है। ठीक है, सो द ट्यूब इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द थोरेक्स। इसी तरह थोरेसिक डक्ट है, ये लोअर एब्डोमेन को भी ड्रेन करती है, सो एब्डोमिनल एरिया से स्टार्ट होती है, crosses all the way through the thorax and it goes to the root of neck to finally drain into the veins. तो ये तीनों important tubes हैं, इन तीनों की चूंकि thorax में से इनका रास्ता है, thorax से ये गुजरती हैं, so ये तीनों हम detail में discuss करेंगे thorax की anatomy की videos में, okay? Trachea is the windpipe, obviously इसमें से हवा गुजरती है, it's a patent tube. इसका मतलब ये है कि trachea हर वक्त खुली रहती है, it's an open tube. अभी जब मैं trachea का structure आपको पढ़ाऊंगा तो ये बात हम discuss करेंगे कि trachea में कार्टिलेजेस होते हैं जिसकी वजह से द ट्यूब रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम। इसोफेगस ऐसा नहीं है, इसोफेगस जो है इट्स अ बंद ट्यूब, ये हर वक्त बंद रहती है, इट ओपन्स ओनली व्हेन यू आर ड्रिंकिंग समथिंग और ईटिंग समथिंग। ठीक है, जब इसमें से फूड गुजरता है या पानी गुजरता है, ओनली ड्यूरिंग स्वेलोइंग प्रोसेस द इसोफेगस ओपन्स, अदरवाइज इट डजंट। और जो थोरेसिक डक्ट है, इट ब्रिंग्स लिम्फ फ्रॉम द मेजर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द रूट ऑफ द नेक, जहां ये वेन्स में ड्रेन करता है। सो तीन ट्यूब्स, तीनों इंपॉर्टेंट, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ट्रैकिया पर। नाउ ट्रैकिया इज अ वाइड ट्यूब लाइंग मोर ऑर लेस इन द मिड लाइन इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक इट एंड ऑल्सो इन द सुपीरियर मीडियास्टिनम। आपको मैंने बताया था कि मीडियास्टिनम को, वट इज मीडियास्टिनम, एक लंग है, दूसरा लंग है, उसके बीच में जो सारा एरिया है, दिस इज व्हाट वी कॉल मीडियास्टिनम। अगर T4 के लेवल पर यानी एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुई पर एक लाइन में ड्रॉ करूं तो उस लाइन के ऊपर है सुपीरियर मीडियास्टिनम और उसके नीचे है इन्फीरियर मीडियास्टिनम। सो सुपीरियर मीडियास्टिनम तक ट्रैकिया आती है, जिसके बाद ये डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई, यूजुअली एट द लेवल ऑफ आइदर T4 टू T6 कहीं ना कहीं। ठीक है, बाज लोगों में T5 पर, बाज में T6 पर, T4 से T6 के लेवल पर इट इज डिवाइडेड इनटू द राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड द लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। ठीक है, और नेक के रीजन में इट इज कवर्ड विद थायरॉयड ग्लैंड, पर्टिकुलरली थायरॉयड का इस्थमस। देखें, थायरॉयड ग्लैंड जो है उसमें देयर इज अ राइट लोब ऑफ थायरॉयड, लेफ्ट लोब ऑफ थायरॉयड, और जो कनेक्टिंग बीच में एरिया होता है दिस इज कॉल्ड इस्थमस। सो इस्थमस इज एक्चुअली इन द एंटीरियर रिलेशन ऑफ द ट्रैकिया। अब ट्रैकिया की लेंथ यूजुअली होती है 10 to 15 centimeters। ठीक है, इट्स एक्सटर्नल डायामीटर इज 2 centimeters इन मेल्स एंड अ लिटिल लेस इन फीमेल्स। तो फीमेल्स की ट्रैकिया थोड़ी सी छोटी होती है। ओके, द ल्यूमेन इज स्मॉलर इन द लिविंग देन इन कैडावर्स। कैडावर्स में इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह यह है क्योंकि मस्कुलर टोन खत्म हो जाती है, तो जो मस्कुलर टोन ल्यूमेन को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखती है वो चूंकि लूज हो जाती है, सो इट बिकम्स अ लिटिल डायलेटेड। इट इज अबाउट 3 millimeter at 1 year of age, 3 millimeters at 1 year of age. During childhood, it corresponds to the age in years with a maximum of about 12 millimeter in years. जिसका मतलब ये है कि हर साल तकरीबन 1 millimeter ट्रैकिया की जो डायामीटर है, उसका जो ल्यूमन साइज है, वो बड़ा होता है। So it's a pretty wide tube. अगर इसका external diameter हम देखें, so 2 centimeter is a pretty wide diameter. Okay? The upper end of the trachea lies at the lower border of the cricoid cartilage opposite the 6th cervical vertebrae. और जो इसका लोअर एंड है वो एक्सटर्नल एंगल तक आता है। ठीक है, सो इफ वी लुक एट दिस डायग्राम, इसका जो अपर एंड है ट्रैकिया का, दिस इज द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया, इसके फौरन ऊपर क्या है, लैरिंग्स और इसके कार्टिलेजेस। सो अपर एंड इज लिंक्ड टू द कार्टिलेजेस एंड लोअर एंड इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुई, विच इज अगेन T4 लेवल, जो मैंने आपको बताया। और इस लेवल पर इट इज बायफर्केटेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। ठीक है, तो 6 थोरेसिक वर्टिब्रा, बाज लोग इस पे बिलीव करते हैं कि इट इज समवेयर बिटवीन T4 टू T6। आपको भी ये बात याद रखनी है। ओके,
Now, over most of its length, trachea lies in the median plane, beech mein hoti hai, but near the lower end, it is slightly deviated to the right side. As it runs downward, the trachea passes slightly backwards following the curvature of the spine. So, isme koi mushkil cheez nahi. Now, relations of the thoracic part of trachea. Ab maine aapko bataya ki jo trachea hai, wo cervical part se travel kar rahi hai, lekin cervical part ke jo relations hai, wo hum nahi discuss kar rahe is video mein, because here we are discussing the anatomy of thorax. So, thoracic region mein ट्रैकिया के जो लिंक्स या रिलेशंस हैं, एंटीरियर साइड पे मैनुब्रियम स्टर्नाय यानी स्टर्नम का जो अपर पार्ट होता है, दिस इज द मैनुब्रियम स्टर्नाय, और नीचे पूरी स्टर्नम है. स्टर्नो थायरॉइड मसल्स, रिमेन्स ऑफ द थायमस, थायमस जो कि वक्त के साथ डिवेलुएट करता है, खत्म होता है. लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक एंड इंफीरियर थायरॉइड वेन्स, एओर्टिक आर्च, डीप कार्डियक प्लेक्सेस एंड सम लिम्फ नोड्स. पोस्टीरियरली इमीडिएटली कौन सा स्ट्रक्चर है? इसोफेगस, और फर्दर अगर पोस्टीरियर चले जाएं तो वर्टिब्रल कॉलम. राइट साइड पे ये तमाम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो आपको याद रखने हैं, और लेफ्ट साइड पे देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रिमेंबरिंग और लिटिल बिट ऑफ लाइक रट्टाफिकेशन टू रिमेंबर द रिलेशंस, बट दिस इज वर्थ डूइंग. आपके एग्जाम्स में ये अक्सर पूछा जाता है. ओके अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया, इट इज अ फाइब्रो इलास्टिक वॉल सपोर्टेड बाय द कार्टिलेजिनस स्कैफोल्ड, द सी शेप कार्टिलेजिनस. सी शेप का मतलब ये है कि दे आर लाइक दिस सी शेप, ये ऐसा सी रखा हुआ है. यूजुअली तो आप सी यू बनाते हैं ना, लेकिन इसको थोड़ा सा कर्व करते हैं तो ऐसा सी बन गया. कहने का मतलब ये है कि सामने से ट्रैकिया की जो वॉल है वो कंप्लीट होती है, बैक साइड से दिस इज एम्प्टी, और इसमें मसल भरा हुआ होता है. ठीक है, सो इट इज काइंड ऑफ एन एम्प्टी वॉल फ्रॉम द बैक साइड, और पीछे इसके बिल्कुल इसोफेगस होती है. सो इट्स अ सी शेप कार्टिलेज. देयर आर रफली अबाउट 16 टू 20 कार्टिलेजेस थ्रू आउट ट्रैकिया, और इनका काम है पूरे के पूरे ट्रैकिया को हर वक्त ओपन रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, द ल्यूमेन इज लाइंड बाय सिलिएटेड कोलोमनल एपिथेलियम एंड इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स एज वेल एज सीरस ग्लैंड्स, ताकि सिक्रीशंस रिलीज होती रहे. राइट, arterial supply is via the inferior thyroid arteries and venous drainage is via the left brachiocephalic. Lymphatic drainage through the pretracheal and paratracheal. Trachea ke samne aur trachea ke sides mein. Nerve supply is via the parasympathetic as well as sympathetic. Parasympathetic fibers kahan se aa rahe hain? Vagus nerve se aa rahe hain aur recurrent laryngeal nerve se aa rahe hain. They are sensory and secretomotor to the mucous membrane. Yani jab vagus input hoga to secretion increase hogi, theek hai? Aur jab vagus input hoga ya parasympathetic input hoga to trachealis muscle, जो कि मसल्स हैं ट्रैकिया के बैक साइड पर, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे. सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन एंड दे ट्रैवल टू द ट्रैकिया बाय या अलोंगसाइड द इंफीरियर थायराइड आर्टरीज एंड दे आर वैसोमोटर, यानी ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं. राइट, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रैकिया अलग से पूरा डिफाइन की हुई है इस चैप्टर में भी, हम लैंगमैन में पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में. ट्रैकिया की थोड़ी सी हिस्टोलॉजी डिस्कस करते हैं. अगेन दिस इज नॉट अ हिस्टोलॉजी बुक, बट लेट अस गेट द फ्लेवर ऑफ ट्रैकियल हिस्टोलॉजी. इट्स अ थिन वॉल्ड फ्लेक्सिबल ट्यूब, द ट्रैकिया इज लाइंड बाय द सुपर स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलोमनल एपिथेलियम. ठीक है, इट हैज अ लॉट ऑफ गॉबलेट सेल्स, देयर इज अ लैमिना प्रोप्रिया सबम्यूकोसा, जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है म्यूकोसा सबम्यूकोसा, दैट इज ऑल प्रेजेंट ओवर हियर. देयर आर 16 टू 20 हाइलैंड कार्टिलेजेस व्हिच सपोर्ट द ट्रैकिया एंड कीप इट ओपन ऑल द टाइम. द कार्टिलेज, जैसे कि टिपिकल कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, इज कवर्ड बाय ऑल्सो पेरिकॉर्डियम, कॉन्ड्रियम, और देयर इज एन आउटर मोस्ट लेयर एडवेंटिशिया व्हिच गिव्स द वे टू ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. सो टिपिकल स्टफ, मोटी मोटी जो बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट स्टफ जो है ट्रैकिया के हवाले से, कि इसमें कार्टिलेजियस रिंग्स हैं, इट्स एन ओपन ट्यूब, लैरिंग से नीचे से स्टार्ट होती है एंड ट्रेवल्स डाउन टू द लेवल ऑफ द T4, जहां ये बायफर्केट होती है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, और इसके एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर और राइट और लेफ्ट साइड के रिलेशंस याद रखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, राइट, अब बात करते हैं अगली ट्यूब की, व्हिच इज द इसोफेगस. इसोफेगस इज द फूड पाइप, इससे फूड गुजरता है. इट इज अ नैरो मस्कुलर ट्यूब एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज क्लोज्ड, ये एंटीरियर पोस्टीरियरली पिचकी बंद होती है. आम जबान में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ट्यूब बंद होती है और सिर्फ जब इसमें से बोलस गुजरता है उस वक्त ये खुलती है. ठीक है, सो इट इज काइंड ऑफ फ्लैटेंड, इसका जो ल्यूमेन है वो ओपन नहीं होता, द ल्यूमेन इज कैप्ट क्लोज्ड, इट डायलेट्स ओनली ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द फूड बोलस. तो ये इंपॉर्टेंट बात है. इसकी लेंथ, इट्स लॉन्गर देन ट्रैकिया, इट इज अराउंड 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. इसोफेगस बिगिंस इन द नेक के रीजन में ये स्टार्ट होती है, लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, ऑलमोस्ट द सेम एरिया जहां से ट्रैकिया स्टार्ट हुई थी, और ये एंड होती है स्टमक में जाके. ठीक है, स्टमक तक ये ट्यूब कनेक्ट करती है, और इसका मतलब ये भी है कि ये डायफ्राम को क्रॉस करती है. इट्स अ लॉन्ग ट्यूब
esophagus is basically a long, long tube. You see here, this is the trachea, this is the esophagus. So esophagus goes first in the superior mediastinum, उसके बाद heart के पीछे जो inferior mediastinum का posterior part है उससे esophagus thorax से गुजरती है और diaphragm को pierce करके stomach में enter हो जाती है. So esophagus is a 25 centimeter long tube, ठीक है. अच्छा जी, अब curvatures और constrictions, ये दो important features हैं esophagus के जो exam में भी बहुत पूछते हैं, आपको याद भी होने चाहिए. एक तो ये कि वी नो कि esophagus like trachea is a vertical tube, लेकिन आपका जो cervical spine है, चूंकि cervical spine और thoracic spine curved होता है, so ये tube भी उसी के साथ साथ उसी angle पे curve होती है. so एक तो इसकी vertebral column के साथ curvatures हैं, दूसरा इसमें जो है there are टू साइड टू साइड कर्वेचर्स एज वेल, बोथ टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ठीक है, लेफ्ट साइड पर इसके कर्वेचर्स मौजूद हैं, दोनों कर्व्स कर्विंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ये साइड टू साइड कर्व्स की बात हो रही है, और जो स्पाइन है उसके साथ एंटीरोपोस्टर कर्व्स इसके होंगे इन शेप विद द सर्वाइकल स्पाइन एज वेल एज द थोरेसिक स्पाइन. ओके, अच्छा, कॉन्स्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट हैं इसोफिगस की, एटलीस्ट फोर कॉन्स्ट्रिक्शंस जो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए, और ये एक्चुअली मार्क्स नजर आते हैं इसोफिगस पर, और ये एक फिक्स्ड पैटर्न इनका होता है, एंड दीज मार्क्स आर बिकॉज ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, सो ये इसोफिगस है, यहाँ पे आप देखेंगे इंडेंटेशंस आपको दिख रही हैं. सो यू सी इंडेंटेशन बिकॉज ऑफ एओर्टिक आर्च, यू सी एन इंडेंटेशन बिकॉज ऑफ द लेफ्ट ब्रोंकस, यू सी एन इंडेंटेशन हेयर बिकॉज ऑफ द लेफ्ट एट्रियम. सो ये सारे मार्क्स हैं और कॉन्स्ट्रिक्शन हैं और इंडेंटेशंस हैं जो इसोफिगस में विजिबल होती हैं, और इनकी लोकेशंस, इनका डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि ये होती एक्चुअली कहां पर हैं. सो द फोर कॉन्स्ट्रिक्शंस या फोर इंडेंटेशंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एकेडमिकली एज वेल एज सर्जिकली, वो हैं वन एट द बिगिनिंग, फॉर एग्जाम्पल जहां इसोफिगस शुरू होती है, वेयर इट इज क्रॉस बाय द क्रीको फेरेंजियस मसल, एंड दिस इज रफली अराउंड 15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द इंसाइजर टीथ. अच्छा, इंसाइजर टीथ से इन कॉन्स्ट्रिक्शंस का जो डिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है, यानी बंदे का, इफ दिस इज द नोज ऑफ द पर्सन, दिस इज द अपर लिप, और ये उसके इंसाइजर्स हैं, और नीचे ये जाके यहाँ फेरिंग्स बनेगी, और नीचे जाके इसोफिगस बनेगी. सो इंसाइजर से फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन का जो डिस्टेंस है, दिस इज अराउंड 6 इंच या 15 सेंटीमीटर. इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे स्कोप डालेंगे या कोई सी भी ट्यूब यहां एंटर होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने डिस्टेंस के बाद जाके कॉन्स्ट्रिक्शन आएगी, वहां से वो स्कोप पास करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. ओके, सेकंड इंडेंटेशन जो आपको याद होनी चाहिए वो है व्हेन इट इज क्रॉस बाय द एओर्टिक आर्च, एंड दैट इज रफली अराउंड 22 सेंटीमीटर या 9 इंच फ्रॉम द इंसाइजर टीथ. The third indentation which you have to remember is because of the left bronchus, 27.5 centimeter from incisors. And number fourth is where it is piercing the diaphragm. जहां esophagus, ये diagram अगर हम दोबारा देखें, esophagus जहां diaphragm को pierce करती है इस area में, this is also a constricted area. तो ये चार constrictions आपको पता होनी चाहिए. They are all very important because जब endoscope pass करते हैं, तो esophagus के जो constricted areas हैं, वहां से इसको गुजरने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसीलिए आपको यह बात मालूम होनी चाहिए. ठीक है, अच्छा, इसोफिगस का सिर्फ थोरासिक पार्ट नहीं है, इसोफिगस सर्वाइकल रीजन में भी है, जाहिर है नेक से गुजर रहा है, और इसोफिगस का एब्डोमिनल पार्ट भी है, तो वो हम जब एब्डोमिन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, सर्वाइकल पार्ट जब सर्विक्स रीजन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे. इस वक्त थोरासिक जो पार्ट है उसके रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं, क्योंकि इसोफिगस ओवरऑल जो है इट्स अ लॉन्ग ट्यूब ना, ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब, और अभी एक डायग्राम मैंने आपको ऊपर भी दिखाई थी, लेट अस हैव अ लुक अगेन. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, इट इज पासिंग थ्रू द थोरेक्स, इसका एक सुपीरियर मीडियास्टिनम में कोर्स है और एक इन्फीरियर मीडियास्टिनम में पोस्टीरियर साइड पे कोर्स है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सर्वाइकल रीजन से भी आ रही है इसोफिगस, और ये एब्डोमिन में भी जा रही है. सो दीज एरियाज वी विल डिस्कस लेटर, अभी हम बात करते हैं सिर्फ थोरेसिक रीजन की, जो इसोफिगस है उसके इंपॉर्टेंट रिलेशंस, और ये आपको याद करने पड़ेंगे बॉस, ये बार बार देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, देर इज नो ईजी वे आउट ऑफ दिस. ओके, ये रिलेशंस आपको याद करने हैं. एंटीरियर रिलेशंस क्या है थोरेसिक रीजन में, एंटीरियरली देर इज ट्रैकिया, ऑब्वियसली ये तो सबसे आसानी से याद रहता है, देर इज राइट पल्मोनरी आर्टरी, देर इज लेफ्ट ब्रोंकस क्रॉस करती है इसोफिगस को, और उसीलिए उस पर एक मार्क बनाती है, इंडेंटेशन बनाती है, लेफ्ट एट्रियम इसको टच करता है एंटीरियरली, एंड द डायफ्राम ऑल्सो लाइज कुछ फाइबर्स ऑफ द डायफ्राम इन द एंटीरियर रिलेशन. पोस्टीरियरली इसोफिगस के राइट बिहाइंड इज द वर्टिब्रल कॉलम, इंटरकोस्टल आर्टरीज, थोरेसिक डक्ट एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स. ठीक है, राइट साइड पे देर इज राइट लंग एंड प्लूरा, इजाइगस वेन एंड राइट वेगस, लेफ्ट साइड पे एओर्टिक आर्ट. सो ऑल दीज यू कैन रिमेंबर इफ यू कीप लुकिंग
लुकिंग एट द डायग्राम्स एंड ट्राई टू रिपीट दिस. आई नो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर इसमें काफ़ी सारा रट्टा मारना पड़ रहा है, कोई आसान तरीका बता दें. यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेसिक साइंसेज में, एनाटमी में, बायोकेमिस्ट्री में, जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी. वो याद करेंगे तो आगे बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ में आएंगी. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ देम. यार ये आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पूछें कि डॉक्टर आसिफ आपका नाम आसिफ क्यों है, ये समझाएं. अब मैं इसमें क्या समझाऊं यार, पेरेंट्स ने मेरा नाम रख दिया आसिफ, ये मेरा नाम है, ये आपको याद रखना है. इसी तरह आपका जो भी नाम है वो मुझे याद रखना है. सो देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट, राइट? दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. अच्छा जी, अब आर्टेरियल सप्लाई क्या है इसोफेगस की? द सर्वाइकल पार्ट इंक्लूडिंग द सेगमेंट अप टू द आर्च ऑफ एओर्टा इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरीज. थोरेसिक पार्ट इज सप्लाइड ब्रांचेस ऑफ द एओर्टा एंड एब्डोमिनल पार्ट इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट गैस्ट्रिक की ब्रांचेस. तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है. वेनस ड्रेनेज, ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस ड्रेन्स इनटू द ब्रेकियोसिफेलिक वेन्स. मिडिल पार्ट गोज टू द एजाइगस वेन एंड लोअर एंड गोज टू द लेफ्ट गैस्ट्रिक. क्योंकि ये एब्डोमिन में है तो लेफ्ट गैस्ट्रिक, ये थोरेस रीजन में है तो ये एजाइगस की तरफ चला जाता है, और ये सर्वाइकल रीजन वाला जाता है ब्रेकियोसिफेलिक में. द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस इज वन साइट ऑफ पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कभी लिवर में कोई इशू होता है, या कोई फॉर एग्जांपल देयर इज फाइब्रोसिस इन द लिवर या सिरोसिस इन द लिवर, सो वो तमाम साइट्स ऑफ द बॉडी जहां पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस है वहां पे वराइसिस यानी डायलेटेड वेन्स डेवलप हो सकते हैं. एंड इसोफेगस इज वन सच साइट. यानी इफ अ पर्सन विद सिरोसिस प्रेजेंट्स विद ब्लीडिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट इसोफिजियल वराइसल ब्लीडिंग. ओके, ये पढ़ेंगे जब पैथोलॉजी मेडिसिन और सर्जरी करेंगे हम जीआई ट्रैक्ट की. नाउ लिम्फेटिक ड्रेज, सर्वाइकल पार्ट जो इसोफेगस का है, इट ड्रेन्स इनटू द डीप सर्वाइकल नोड्स एंड द थोरेसिक पार्ट गोज टू द पोस्टीरियर मीडियास्टिनल नोड्स एंड जो एब्डोमिनल पार्ट है इट गोज इनटू द लेफ्ट गैस्ट्रिक. सो ये तमाम देखें आप, आर्टेरियल सप्लाई हो या वेनस सप्लाई हो या लिम्फेटिक सप्लाई हो, इट इज ऑल गोइंग इन थ्री पार्ट्स. के सर्वाइकल रीजन का सेटअप अलग है, थोरेसिक रीजन का सेटअप अलग है, और एब्डोमिनल रीजन का सेटअप बिल्कुल अलग है. ठीक है, नर्व सप्लाई पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स हैं. द अपर हाफ ऑफ द इसोफेगस इज सप्लाइड बाय द रिकरेंट लेरिंजियल एंड द लोअर हाफ इज सप्लाइड बाय द इसोफेजियल प्लेक्सस फॉर्म बाय द वेगाई नर्व्स. अच्छा, जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स हैं दे आर सेंसरी, दे आर मोटर एज वेल एज दे आर सीक्रीटोमोटर, यानी इसमें सिक्रीशंस को बढ़ाएंगे. देर इज ऑल्सो सिंपेथेटिक रीच हेयर फॉर अपर हाफ ऑफ द इसोफेगस. द फाइबर्स फ्रॉम द मिडल सर्वाइकल गैंग्लियो रन विद द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरीज. फॉर लोअर हाफ द फाइबर्स कम डायरेक्टली फ्रॉम द अपर फोर थोरेसिक गैंग्लिया. ये बातें तब समझ में आएंगी जब आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मेरी वीडियोज देख रखी होंगी. टू फॉर्म द इसोफेजियल प्लेक्सस, इसोफेजियल प्लेक्सस इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द पैरासिम्पेथेटिक ड्राइव बाय द वेगाई नर्व्स. ठीक है, लेकिन उसमें कुछ सिंपेथेटिक फाइबर्स भी कंट्रीब्यूट इसमें करते हैं, बट द मेजॉरिटी ऑफ द इसोफेजियल प्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स. ओके, टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस द वेगल फाइबर्स फॉर्म द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व्स विच एंटर द एब्डोमेन थ्रू द इसोफेजियल ओपनिंग इन द डायफ्राम. सो ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. डेवलपमेंट हम डिस्कस करेंगे जब लैंगमैन की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे होंगे जीआई ट्रैक्ट की. हिस्टोलॉजी का हल्का सा फ्लेवर यहां दिया है. अगेन इन द बीच से मैं आपको डिटेल हिस्टोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो इसोफेगस की हिस्टोलॉजी वहां पढ़ेंगे. बट हियर लेट अस हैव अ बेसिक फ्लेवर ऑफ किस तरह की एपिथीलियम होती है इसोफेगस में. इट्स अ मस्कुलर ट्यूब मेड अप ऑफ मसल एंड इट रैपिडली प्रोपेल्स द फूड फ्रॉम फेरिंग्स इनटू द स्टमक. ये इसका काम है. इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये हम पढ़ चुके हैं. इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इट इज थ्रोन इन टू डिफरेंट फोल्ड्स. ये आप देख रहे हैं, दीज आर द फोल्ड्स एंड दे आर स्ट्रेटिफाइड, यानी मल्टीपल लेयर्स हैं. स्क्वैमस, नॉन कैराटिनाइज, ऊपर कैराटिन नहीं है. ठीक है, इन कैरेक्टर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. द लैमिना प्रोप्रिया sends papilla into the epithelium. These are the papilla you can see here. The muscularis mucosa is indistinct and at the beginning of the esophagus particularly, but becomes distinct lower down. It's not a very important point. The submucosa contains glands. There is muscularis externa and ultimately adventitia. So nothing new. क्लिनिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पोर्टल हाइपरटेंशन मैंने आपको बताया,
कि पोर्टल हाइपरटेंशन में किसी भी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो, चाहे लिवर सिरोसिस हो, लिवर कैंसर है या लिवर फाइब्रोसिस है, एसोफेजियल वराइसिस हो सकते हैं और देयर कैन बी ब्लीडिंग. नाउ लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट पर्टिकुलरली इन डिजीजेज सच एज मिट्रल स्टेनोसिस कैन बी विजुलाइज बाय अ बैरियम स्वेलो. होगा ये कि यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है ना जो इंडेंटेशन बना रहा है इसोफेगस पे, अगर ये फर्दर इनलार्ज हो जाएगा तो ये इसको और कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा इसोफेगस को. तो यहाँ से जब बैरियम गुजरेगा और आप बैरियम स्वेलो का एक्सरे देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नजर आएगा आपको ऑन बैरियम स्वेलो एंड यू कॉल इट इसोफेजियल स्ट्रक्चर टाइप ऑफ थिंग. ओके, कैंसर में भी ये हो सकता है, एकलेसिया कार्डिया. नाउ द नॉर्मल इंडेंटेशन ऑफ द इसोफेगस शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग इसोफेजियोस्कोपी. ये बात मैंने कर ली आपसे. द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस इज नॉर्मली केप्ट क्लोज्ड. इट इज ओपन्ड बाय द स्टिमुलस ऑफ अ फूड बोलस. इन केस ऑफ अ न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस फेल्स टू डायलेट विद अराइवल ऑफ द फूड विच देयरफॉर एक्युमुलेट्स इन द इसोफेगस. दिस कंडीशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन characterized by inability of the food to pass through is called achalasia. Achalasia is a situation जिसमें food bolus यहाँ पहुँच गया लेकिन आपका जो lower end है या lower sphincter है esophagus का ये open होना चाहिए, open नहीं हो रहा. अब जब ये open नहीं होगा तो सारा food यहाँ accumulate हो जाएगा esophagus में. This condition is called achalasia. Again surgery में इसको detail में पढ़ेंगे. अच्छा, फिर समटाइम्स डेवलपमेंटली ये होता है कि ट्रेकिया और इसोफेगस यूजुअली सेपरेट होने चाहिए थे, नहीं हो रहा है. आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि जो इसोफेगस का लोअर सेगमेंट है वो ट्रेकिया में खुल रहा है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला. ये कई टाइप्स के होते हैं, इसकी काफ़ी सारी डिटेल्ड हमको फीचर्स पढ़ने होंगे जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे. ओके, कंप्रेशन ऑफ द इसोफेगस इन केस ऑफ मीडियास्टिनल सिंड्रोम कॉजेज डिस्फेजिया. मीडियास्टिनम में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम, देखें एक लंग यहाँ पर है, एक लंग यहाँ पर है, बीच में ये मीडियास्टिनम है और इन्फीरियर मीडियास्टिनम के पोस्टीरियर पार्ट से गुजर रहा है इसोफेगस. तो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम होगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है या कोई और इशू है, कोई भी स्वेलिंग है, तो इसोफेगस कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है जिसकी वजह से फूड पास होने में मसला होगा. सो देयर कैन बी यू नो डिस्फेजिया in any mediastinal problem. So this is all about esophagus. It's a long tube, muscular tube, और इसके relations याद रखना मुश्किल काम है, but मैंने आपको बताया, look at the diagrams again and again and try to remember the relations. So now the third tube जो इस chapter में हमको पढ़नी है, that is the lymphatic tube and it is called the thoracic duct. Now it is the largest lymphatic vessel in your body. So this is, I mean, imagine how important this is. अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, so you are missing a very very important information of human body. This is the largest lymphatic duct. It extends from the upper part of the abdomen. Abdomen से start होता है and it pierces the diaphragm, goes up, यानी diaphragm है, so एब्डोमेन से स्टार्ट होगी, डायफ्राम को पेयर्स करेगी, पूरा थॉरेक्स क्रॉस करेगी. सो ये डायग्राम यहाँ बनी हुई है, देखें, दैट इज़ द लेवर ऑफ द L1 L2 वर्टिब्री. सिस्टर्ना काला है बेसिकली, जो एब्डोमेन के अपर पार्ट में फॉर्म होता है. यहाँ से ये पूरी ट्यूब निकल रही है एंड यू कैन सी हाउ इट इज़ बीडेड अपीयरेंस. ये ऐसे बीड्स बने हुए हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेल्व्स, देयर आर सो मेनी वेल्व्स इन दिस लॉन्ग डक्ट, ताकि लिम्फ नीचे ना जाए, बैक फ्लो ना करे, सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में मूव करे. ठीक है, तो पूरा ये थॉरेक्स क्रॉस करती है और फिर रूट ऑफ द नेक में बिटवीन द सबक्लेवियन एंड द इंटरनल जुगुलर. दिस इज द सबक्लेवियन एंड दिस इज द इंटरनल जुगुलर वेन. इन दोनों के जंक्शन पे ये वेन में ड्रेन कर जाती है. ठीक है, सो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग, इनफैक्ट the longest lymphatic duct of your body, around 45 centimeters या 18 inch long, 1.5 foot लंबी ये ट्यूब है lymphatics, and it has many valves in the lumen. ठीक है, it begins at the continuation of the upper end of the cisterna cali near the lower border of the 12th thoracic vertebrae या L1 के level पर, and enters the thorax through the opening of the diaphragm. It then ascends through the posterior mediastinum, chest की बात हो रही है, from the level of the 12th thoracic vertebrae to the 5th thoracic vertebrae, where it crosses from right to left. ये देखें, इट इज़ क्रॉसिंग फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड एट दिस लेवल, T5, T64 के लेवल पर. इट इज़ क्रॉसिंग टू द राइट साइड एंड देन कंटिन्यूइंग अपवर्ड रीचेज द नेक एंड ड्रेन्स बिटवीन द सबक्लेवियन एंड इंटरनल जुगुलर वेन. ओके, ये इसका पूरा रूट है, इंपॉर्टेंट है, ये रूट आपको याद होना चाहिए. ठीक है, राइट. रिलेशनशिप्स, अगेन रिलेशनशिप्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं याद करना, कि एंटीरियर क्या क्या चीज़ें, पोस्टीरियर क्या क्या चीज़ें. बहुत ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछें तो एग्जाम में ये पूछते भी नहीं है, अनलेस आपको सर्जरी की रेजिडेंसी करनी हो, तब ये रिलेशन एक ज़ाहिर आपको पता होना चाहिए. अंडर ग्रेड्स के लिए या इवन USMLE स्टेप 1 के लिए, MRCP के लिए, मेरा एक्सपीरियंस ये है स्टूडेंट्स के साथ कि रिलेशंस इतना डिटेल में नहीं पूछे जाते. मेजर मोटा मोटा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, यानी आप ये ब्लंडर ना मार रहे हो कि आपसे पूछें
कि लिम्फैटिक डक राइट थोरेसिक डक शुरू कहाँ, ये थोरेसिक डक स्टार्ट कहाँ से होती है, आप कहें जी ये स्टार्ट होती है सर्वाइकल रीजन से, तो वो बात गलत हो जाएगी। आपको इसका मोटा मोटा रूट पता होना चाहिए कि एब्डोमेन से स्टार्ट होती है, थॉरेक्स को क्रॉस करती है, राइट से लेफ्ट जाती है और नेक रीजन में इन दो वेन्स के बीच में जाके एंटर हो जाती है। सो मोटी मोटी बात आपको पता होनी चाहिए। बट एनीवेज, बाद स्टूडेंट्स यू नो बुक परफेक्ट होते हैं और वो याद रखते हैं कि किताब में क्या लिखा है। सो एट बिकॉज इट इज क्रॉसिंग द डायफ्राम, तो डायफ्राम पे जहां ये क्रॉस कर रहा है उस ओपनिंग पर एंटीरियर रिलेशन इसका डायफ्राम है, पोस्टीरियर रिलेशन वर्टिब्रल कॉलम है, राइट साइड पे एजाइगस, लेफ्ट साइड पे एओर्टा। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम यानी थॉरेक्स से जब ये गुजर रहा है तो ये रिलेशन सारे लिखे हुए हैं, सुपीरियर मीडियास्टिनम से ये सब रिलेशन लिखे हुए हैं। इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर नेक में ये सब, मैं आई एम नॉट दैट पर्सन, मुझे ये मतलब मैं अगर आपका एग्जामिनर हूं तो मैं ये एक एक चीज पोस्टीरियर इन्फीरियर रिलेशन नहीं पूछता, बिकॉज दिस इज जस्ट द मेमोरी टेस्ट। ओके, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज ओवरऑल इतनी ज़्यादा है नहीं मैनेजमेंट के हवाले से, अनलेस आप सर्जिकल रेजिडेंट हो या सर्जिकल स्पेशलिटी की तरफ जा रहे हो। ओके, एनीवेज, ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट हैं कि लिम्फैटिक कहाँ कहाँ से ड्रेन करती है थोरेसिक डक्ट में। सो थोरेसिक डक्ट इज रिसीविंग लिम्फ नोड फ्रॉम रफली बोथ हाफ्स ऑफ द बॉडी बिलो द डायफ्राम। अब अगर मैं ये वाली डायग्राम आपको दिखाऊं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम टू फोकस ऑन, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। सो दिस इज द थोरेसिक डक्ट, तो आप देखें थोरेसिक डक्ट इज रिसीविंग a lot of lymphatics from the lower half of the body. Cisterna cavae में क्या क्या drain हो रहा है, internal iliac lymph trunk पूरा drain होता है, intestinal lymph trunk drain हो रहा है, lumbar lymph trunk, external iliac. So roughly all of the lower body is ultimately going into this thoracic duct. ठीक है, so lower half से तो ये पूरे का पूरा drainage खींच रहा है, काफ़ी सारा drainage खींच रहा है। और थोरेक्स के रीजन की अगर बात करें, सो थोरेसिक डक्ट रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियास्टिनल नोड एंड फ्रॉम द स्मॉल इंटरकोस्टल नोड्स, ऑल्सो एट द रूट ऑफ द नेक। डायग्राम में इसको समझते हैं यार, दिस इज द थोरेसिक डक्ट, और यहाँ जब ये ड्रेन कर रहा है वेन में तो दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसमें एंटर हो रही हैं, एक जुगुलर लिम्फ ट्रंक जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को ड्रेन करेगा लेफ्ट साइड की थोरेसिक डक्ट में, और एक ये इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक चैनल है लेफ्ट सबक्लेवियन, ये पूरे एक्जिला यानी अपर लिम्ब इस रीजन को ड्रेन करेगा। सो अपर लिम्ब लेफ्ट साइड से, अपर हेड एंड नेक रीजन लेफ्ट साइड से अल्टीमेटली ड्रेन करते हैं थोरेसिक डक्ट के अंदर। ठीक है, ये देखें थोरेसिक डक्ट में आ रहे हैं और फिर थोरेसिक डक्ट यहाँ एंटर हो रही है। ऑल्सो इट इज रिसीविंग लेफ्ट साइड का ब्रोंकोमीडियास्टिनल लिम्फ ट्रंक। ब्रोंकोमीडियास्टिनल का मतलब ये हो गया कि लंग, प्लूरा, ये सारी चीजें ड्रेन करेंगी ब्रोंकोमीडियास्टिनल लिम्फ ट्रंक में और वो ड्रेन करेगा अल्टीमेटली इनटू द थोरेसिक डक्ट। सो थोरेसिक डक्ट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी काफी सारा ड्रेनेज ये रिसीव कर रहा है और थोरेसिक रीजन में और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में लेफ्ट साइड से काफी सारा ड्रेनेज ये रिसीव कर रहा है थोरेसिक डक्ट। ओके, राइट साइड का फिर डिफरेंट चैनल है, ये पढ़ेंगे जब राइट साइड की लिम्फैटिक्स की हम बात करेंगे। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट दीज थ्री इंपॉर्टेंट ट्यूब्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम दिया है, इसको स्टडी करते हैं और फिगर आउट करते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है। देयर इज अ यंग लेडी प्रेजेंटिंग टू अ क्लिनिक इन हर मिड प्रेगनेंसी, शी इज कंप्लेनिंग ऑफ रैपिड ब्रीदिंग एंड डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ये इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग का मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इसोफेगस। ओके, she also is giving a history of sore throat with pain joints during the childhood. ab ye young ho chuki hai lekin childhood mein ye infection hua tha. what is the likely diagnosis, what is the explanation? ab ye dekho main aapko iska solution batata hu. चाइल्डहुड में इसको ये इन्फेक्शन हुआ था और इस वक्त इसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम भी है और स्वेलोइंग का प्रॉब्लम भी है। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ कंडीशन कॉल्ड रूमैटिक हार्ट डिजीज। रूमैटिक हार्ट डिजीज में दिस इज पॉसिबल कि एयर्स अगो आपको इन्फेक्शन हुआ हो, आपके हार्ट के एंटीजेंस डैमेज हुए हों, देर इज अ प्रॉब्लम इन द हार्ट सच इज माइट्रल वैल्व स्टेनोसिस या माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स। अब उसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हुआ, सो दिस इज द हार्ट, और अगर यहाँ पे माइट्रल वैव में कोई प्रॉब्लम है, सो लेफ्ट एट्रियम में अगर कोई प्रॉब्लम है सो लेफ्ट एट्रियम विल कॉज प्रॉब्लम टू द इसोफेगस। ये इसोफेगस गुजर रही है और इसोफेगस पे लेफ्ट एट्रियम का इंडेंटेशन पड़ता है। सो इफ देर इज इनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम देर विल बी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द इसोफेगस। कंस्ट्रिक्शन ऑफ इसोफेगस की वजह से यू कैन एक्सप्लेन हर सिम्टम विच इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, और दूसरा इनलार्जमेंट ऑफ एट्रियम और माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से शी मे बी हैविंग रैपिड ब्रीथिंग, क्योंकि लंग्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही ब्लड की, बिकॉज देर इज एनाटॉमिकल डिफेक्ट इन द हार्ट। सो द
the theory becomes like this, this is probably a diagnosis of rheumatic heart disease. It occurs due to streptococcal infection in the throat. The toxin affects the mitral valve of the heart. Because the mitral valve is affected, it leads to mitral stenosis. Jiski wajah se there is left atrial enlargement, and therefore there is incomplete emptying of the left ventricle. And all this is the cause of the symptoms presented by this young lady. Okay, so this is all about these three important tubes: esophagus, trachea, एंड थोरेसिक डक्ट. आपसे आप इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने कोलीग्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाते रहिए डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के मिशन को, जो के है फ्री एजुकेशन एंड हैशटैग इन्वेस्ट इन यंगस्टर्स. ऑल द वेरी बेस्ट.